नमस्कार, जय साई राम। साई किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जो कि नाश्ता और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे इसे नाश्ते में बनाइए या रात के खाने में बनाइए, पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम इसमें एक अलग ही तरीके का मसाला डालेंगे, जिससे ये हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पे 5 बॉयल आलू लिया है, इसको पहले मैश कर लेंगे आलू मिक्सर से। हम इसे पहले मैश कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मैश कर लिया इसे अच्छे से। हम इस पराठे के साथ में टमाटर की चटनी भी बनाएंगे और बूंदी का रायता भी बनाएंगे। तो और पराठा भी मैं 2 तरह का बनाऊंगी, एक धनिया का और एक आलू का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। हमने यह कढ़ाई ले लिया एक। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये छोटा चम्मच है तो हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे। अगर आपका चम्मच बड़ा हो तो 2 चम्मच डालना है। हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाल लिया। अब 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। हमारा जीरा तड़क जाए तो हम इसमें 1 डालेंगे। जीरा हमारा तड़क गया, अब इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। और मैंने हरी मिर्च लिया है, 1 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। एक चौथाई हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे आलू जो मैश करके मैंने रखा है वो आलू डालेंगे। गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, जिससे कि हमारे मसाला सूखा जले ना। और यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे धनिया और मिर्ची, लाल मिर्ची और जीरा है। मैंने सूखा ड्राई भून लिया था, उसको पीस के रखा था। ये मसाला हम बना के रखते हैं। ये मसाला डालेंगे हम पराठे में, आलू में पराठा बनाने के लिए। इस आलू में इसमें मैंने 4 चम्मच, ये भुना हुआ छोटा चम्मच है हमारा, मसाला डाल दिए। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, जरा सा। और इसमें हमारा थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। एक चम्मच अमचूर पाउडर, इससे हमारा पराठा बहुत ही स्पाइसी और चटपटा बनेगा। हमारे पास अदरक नहीं है तो मैंने ड्राई अदरक को सुखा के ऐसे अदरक को रखा था। ये हमारे पास ये अदरक का पाउडर है, तो हम ये पाउडर डाल दें थोड़ा सा। अब इसमें नमक डालेंगे हम टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि आटा में भी मैंने थोड़ा सा नमक मिक्स किया है। और यहाँ पे हम खूब सारा धनिया डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला कितना अच्छा बन के रेडी होगा पराठा का। अब इस तरह से पराठे का मसाला बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है आलू का पराठा। आप इसे चाहे चटनी से खाइए, टमाटर की चटनी,
या दही के बूंदी रायता से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये देखिए हमारा एकदम रेडी हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमने आलू निकाल लिया ठंडा होने के लिए। हम चटनी बनाते हैं, टमाटर की चटनी बनाएंगे, खट्टी मीठी चटनी जो बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा के साथ में। और इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल दिए। कढ़ाई हमारा गर्म ही है, जीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच। हरी मिर्च थोड़ा सा, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया था, हरी मिर्च डाल दी हमने इसमें। हींग डाल दिया मैंने थोड़ा सा। हल्दी 1/2 चम्मच। अब हमने ये देखिए यहाँ पे 4 टमाटर लिया जिसको मैंने बारीक बारीक से ऐसे काट लिया। अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। और ये थोड़ा सा हमारा जिंजर पाउडर है। गरम मसाला थोड़ा सा। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। एक चम्मच धनिया पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। और इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे, जिससे टमाटर गल जाएगा थोड़ा। मैंने इसे ढक दिया और इसे 2 मिनट तक हमें पकाना है। हम इसे देखते हैं, 2 मिनट हो गया। ये देखिए टमाटर हमारा काफ़ी अच्छे से गल गया है। टमाटर गल चुका है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच चीनी लिया है, चीनी डालेंगे। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चीनी डाल लें। 1 चम्मच चीनी डाला है मैंने। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक लिया है, थोड़ा काला नमक भी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट इसे और पका लेंगे। देखते हैं, ये देखिए हमारी चटनी एकदम रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब बस हम इसे गैस से उतार लेंगे। हमारा चटनी एकदम रेडी है, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। अब हम दही बूंदी बना लेते हैं इसके पराठे के लिए, खाने के लिए साथ में दही बूंदी की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। बस हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें बूंदी डालेंगे थोड़ा सा। ये हमारा मसाला वाला बूंदी है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऊपर से एक्स्ट्रा कोई मसाला डालें। बस थोड़ा सा लाल मिर्ची वगैरह डाल देंगे इसमें। थोड़ा धनिया डाल दिया मैंने।
और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ कलर के लिए बस, क्योंकि इसमें मसाला सारा पड़ा हुआ है पहले से ही। बस हमारा ये बूंदी रायता भी बन के रेडी है, अब हम पराठा बनाते हैं। ये आलू हमारा एकदम ठंडा हो चुका है फ्रेंड, अब हम इसको गोल गोल इस तरह से पराठा में भरने के लिए बना लेंगे, जिससे कि हम आसानी से बस पराठे में भरते जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से सारे बॉल बना लिया है आलू के। मैंने आटा पहले ही लगा के रख लिया था और मैंने इधर तवा भी चढ़ा दिया गैस पे। अब हम पराठा बनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने आटे का ये गोला बना लिया है लोई, अब हम इसे बेलेंगे। मैंने यहाँ ये लोई बेल लिया, अब हम इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएंगे। रिफाइंड तेल मैंने यहाँ लिया है, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें आलू लिया है इसे गोला और इसे इस तरह से भर के, जैसे हम पराठा बनाते हैं नॉर्मली, बस इस तरह से घुमा के। और इसमें थोड़ा सा परसल लगाएंगे और इसे हम बेलेंगे। मेरा पराठा तैयार हो गया। यहाँ देखिए मैंने तवा रख दिया था पहले ही गर्म करने के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम अपना पराठा ये डाल देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। इस तरह से हम और भी पराठे बेल लेते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है ये आलू का पराठा, आप इनको सुबह टिफिन में बना के दे दीजिए, चाय के साथ खा लेते हैं बच्चे तो आलू के पराठे। और खाना में भी आप रात में भी डिनर में भी बना सकते हैं, आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि बिना प्याज का भी आलू का पराठा अच्छा लगता है। इस तरह से हम प्याज टमाटर वाला वो अलग बनाते हैं हम पराठा, उसकी रेसिपी भी हम जल्द डालेंगे वीडियो में। आज मैंने बिना प्याज वाला ही पराठा बनाया है। अब इसे हमने देखिए पलट दिया दूसरी तरफ। ये देखिए पराठा फूल है, अब हम इसे दूसरे साइड में पलटेंगे। अब हम इस पे तेल लगाएंगे, देखिए कितना बढ़िया गरम गरम फूली फूली पराठे आलू के बन रहे हैं। इतने अच्छे पराठे फूलिए देखिए फ्रेंड्स गरम गरम, तो आप एक बार ऐसे बना के खाएंगे पराठा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा ये वाला मसाला डाल के, जो मसाला मैंने डाला है इसमें। ये देखिए कितने अच्छे पराठे हमारे सीख गए बढ़िया। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, ये देखिए कितने अच्छे। अब हम दूसरे पराठे डालेंगे और इसको भी इसी तरह से हम सेकेंगे। अब इसी तरह से मैं दूसरे पराठे को भी सेक रही हूँ फ्रेंड।
देखिए कितने अच्छे बन गए पराठे की रेसिपी। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेकेंगे ताकि ये बाद में जब ठंडा हो जाए तब भी खाने में अच्छा लगता है। ये मेरा ये भी पराठा रेडी हो गया। मैंने ये देखिए मैंने सारे आलू के पराठे को सेक लिया है। अब हम आपको ये धनिया का पराठा भी बना कर दिखाएंगे कि धनिया का पराठा आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक मैंने लोई ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पत्थर लगाएंगे। राइस को इस तरह से हम थोड़ा बड़ा बेलेंगे और इसमें हम तेल लगाएंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला या पाउडर, नमक थोड़ा सा और अभी यहाँ पे धनिया जाएगा इसमें और इसे हम इस तरह से करके फोल्ड करेंगे और इसमें तेल लगाएंगे। फिर इसे इस तरह से फिर यहाँ पे बर्तन लगा के इसे बेल लिया मैंने, इतना बड़ा कर लिया। फिर इसमें हम तेल लगाएंगे थोड़ा सा, नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्ची और धनिया। फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, तेल लगाएंगे, एक तरफ मैंने बर्तन लगा लिया, फिर ऐसे फोल्ड किया। बस अब हम इसको बेल लेंगे। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी, आप जिस शेप पे भी बनाना चाहते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप चाय के साथ बना के ऐसे केवल पराठा खा लो, कुछ नहीं है तो चाय पराठा खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। बस देखिए मैंने इसे बेल लिया और ये हमारा इधर तवा गर्म है, हम इस पर डाल देते हैं। देखिए मैंने तवे पे रख दिया है, अब इसे हम इधर दूसरे साइड में पलटेंगे। मैंने दूसरे साइड पे इसे पलट दिया है, अब हम इस पर तेल लगाएंगे। देखिए फूल है कितना अच्छा। हम इसका दूसरे साइड भी तेल लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में इस तरह से हम दबा दबा के चारों तरफ से, कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये पराठा लग रहा है, देखने में भी और खाने में तो और भी स्वादिष्ट लगता है। जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें बहुत पुरते निकलेंगे, इसको पुरत वाले पराठा भी हम बोलते हैं। बस आप इस पर मक्खन डाल के भी खाइए, देसी घी में भी खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। जैसे हमारा हो गया ये पराठा भी, गैस ऑफ करते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म पराठे आलू के, और ये मैंने धनिया के जो पराठे बनाए हैं बनके एकदम रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है, एकदम पूरा तला। ये देखिए आप इस पे मक्खन डाल के ये चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं इस पे मक्खन भी लगा देती हूँ। ये देखिए मैं इसे इस तरह से फाड़ के भी दिखा दी, एक कितना बढ़िया आलू का पराठा ये बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी आलू के पराठे और चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।